हाय एवरीवन, दिस इज द 7th ऑफ फरवरी 2023। आपका स्वागत है इंडिया चार्ट्स के चैनल पर। नाउ अगर आप पहली बार इंडिया चार्ट्स पे आ रहे हैं, आप जरूर इंडिया चार्ट्स का ऐप डाउनलोड करें और उसका इस्तेमाल करें, तो आपको सच में समझ में आएगा कि कैसी कैसी इंफॉर्मेशन जो है, कैसी कैसी तरीके की हर बाजार के, मतलब डोमेस्टिक ग्लोबल, हम लोग डेली इसके बारे में लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, सिखाते हैं लोगों को कि बाजार को नए एंगल से, नए तरीके से कैसे देखा जाए और कैसे समझा जाए। और इस तरह के वातावरण में जहां बहुत सारा नॉइज है, बहुत सारी वॉलेटिलिटी है, किस चीज को आपको इम्पोर्टेंस देना है, क्या नजर में रखना है और कैसे आप अपने मार्केट ओपिनियंस को चेंज कर सकते हो। मैं जब हर दिन देख के इस चीज को करता हूं तो आपको भी समझ में आता है कि किसको किस चीज से कैसे ताल्लुक रख के ये काम करना है। तो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस। द वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, बट जो मैं आपको टूल्स बताऊंगा, अगर आप उनको इस्तेमाल करोगे, शायद आप मुझसे भी अच्छी तरीके से उनको, उनके साथ काम कर पाओ। आई एम अ ह्यूमन, एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल मेक मिस्टेक्स, बट द टूल्स डोंट लाई एंड द टूल्स आर नॉट रॉन्ग। यू हैव टू लर्न टू यूज देम टू द बेस्ट, एंड वी हैव प्रोवाइडेड यू द टूल्स दैट आर अबव पार। आई थिंक कोई भी इस तरीके से ये काम करता नहीं है, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ। एंड वी आर अबाउट टू लॉन्च वन ऑफ आर यू नो प्राइमरी एनालिटिकल टूल्स विच विल अलाउ यू टू यूज लॉट ऑफ द थिंग्स दैट आई डू ऑन एन एवरीडे बेसिस। ऑल द डेटा जो मैं देखता हूँ वो आपको एक्सेस आ जाएगा, और उस एक्सेस से फिर आप खुद ही उस चीज को एनालाइज कर सकते। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ देखो ऐसा हो रहा है, आप खुद भी बोल सकेंगे देख के हर दिन कि देखो इसमें ऐसा लग रहा है और ऐसा होने वाला है। तो मेरे काम को पढ़ने से आप सीख पाओगे कि किस चीज को क्या देखना है, कैसे देखना है, और फिर आप खुद भी उस चीज को कर सकते हो यूजिंग द एनालिटिकल टूल, यूजिंग योर ओन चार्टिंग सॉफ्टवेयर। एंड दैट इज व्हाई आई फील इट्स अ होलसम प्रोसेस। मैंने इसको सब डिवाइड नहीं किया जैसे कई लोग करते हैं कि भाई एक सर्विस अलग प्राइस पे, ये सर्विस अलग प्राइस पे, ये लो वो ले लो। हम लोग सिर्फ वो एंडलेस ब्लाइंड आंख बंद करके कमाई करने की कोशिश नहीं कर रहे। वी वॉन्ट अ बेटर जर्नी फॉर एवरीबडी, कि सब लोग सीखें, समझें और आगे बढ़े। ये मेरा एक शॉर्ट क्लिप था एट द बिगिनिंग। बेचने का काम मैंने कर लिया, अब समझाने का काम करता हूँ कि बाजार आज किधर है। बहुत लोगों पे के बारे में लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी हैज बीन हाई, मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे हर दिन जा रहा है और ग्लोबल मार्केट्स अलग ही तरह चल रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को, तो उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। एक ओवरऑल पिक्चर आपको आ जाएगा बाजार के बारे में। तो कुछ लोग मुझे बजट के कुछ दिन पहले तक ही एक चार्ट दिखा रहे थे, मैं उससे शुरू करता हूँ, देन आई कंटिन्यू टू रेंट क्योंकि मैं बातें ज्यादा करता हूँ और फिर चार्ट्स मुझे बाद में डालने पड़ते। तो ये एक चार्ट है, ये है इंडिया विक्स का चार्ट। तो लोग जब इसको देख रहे थे कह रहे थे कि भाई ये ब्रेकआउट करने वाला है, बाजार गिर जाएगा। मैं कह रहा था कि भाई अगर बाजार बजट के पहले गिरता है तो टिपिकली हमने जो हिस्ट्री देखी है उसमें द मार्केट ऑलवेज टेंड्स टू चेंज ट्रेंड After the event that is there before the event, and specifically budget event की बात कर रहे हैं। आखिर में हुआ क्या है कि बजट के दो दिन पहले ये 30 तारीख को the India Wix touched this blue line और उसके बाद वो cross भी नहीं किया। इनफैक्ट अडानी का जो न्यूज आया वो तो 1 तारीख को है फरवरी का, इट didn't even spike above that line and तब से गिर रहा है India Wix। तो ये कारण है, अगर आप किसी ने भी कॉल ऑप्शन खरीदे हैं और बाजार उस दिन से भी अगर ऊपर जा रहे हो, आपको लग रहा है मेरे कॉल ऑप्शन तो बढ़ ही नहीं रहे, बाजार ऊपर जा रहे तो भी, और ऐसे भी दो चार दिन तो फ्लैट भी है, ये इसलिए क्योंकि विक्स घट रहा है। नाउ इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ विक्स वर्क्स, विक्स इज नथिंग बट वॉलेटिलिटी और ऑफ द ऑप्शन अंडरलाइन। तो ऑप्शन का जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है लोगों के डर से, फियर से। अगर उन लोगों को डर लगता है दे आर विलिंग टू पे मोर फॉर दी ऑप्शन, अगर उनको कम डर लगता है दे आर विलिंग टू पे लेस फॉर दी ऑप्शन। ऑफन इवेंट्स के पहले ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाता है बिकॉज पीपल वॉन्ट टू हेज द रिस्क अगेंस्ट द इवेंट, एंड वेन द इवेंट इज ओवर देन दे आर विलिंग टू अनवाइंड दैट पोजिशन एंड एक्चुअली यू नो नॉट टेक दैट मच हेज। एंड सो इवेंट्स के आगे पीछे भी विक्स का भाव बढ़ जाता है और फिर घट जाता है, बट जब एक्चुअल मार्केट्स में गिरावट आती है तब भी विक्स का भाव बढ़ता है। तो हियर इट डिडंट हैपन, आई मीन टू डेज बिफोर एन इवेंट एंड डिस्पाइट अडानी ये अडानी वो, कंट्री खराब हो जाएगा, द विक्स इज नॉट रिएक्टिंग। सो द विक्स वॉज आई थिंक बाई इट सेल्फ द बेस्ट इंडिकेटर कि जितनी न्यूज फ्लो है इसका बाजार पे कोई असर नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सो गोइंग बैक टू द मेन पॉइंट, इफ यू रियली टॉक अबाउट बजट्स, ओके आई वुड रियली वॉन्ट टू ओपन अ चार्ट ऑफ द निफ्टी
एंड टेक यू थ्रू द हिस्ट्री ऑफ बजट्स। इंडिया में बहुत सारे बजट्स हुए हैं, बट कई बजट्स के बाद बाजार ने जो रुख पकड़ा है, मेनी टाइम्स इट इज ऑपोजिट टू व्हाट द मार्केट वॉज डूइंग प्रायर टू द बजट। सो अगर 2-3 महीने की अगर तेजी हो रही है बजट के पहले, तो बजट उस टाइम पे टॉप हो जाते हैं, और अगर 2-3 महीने की मंदी है तो वहां बॉटम हो जाते हैं। और अगर कंसोलिडेशन है बजट के पहले, अगर बाजार सिर्फ कंसोलिडेट कर रहे हैं, ना ऊपर ना नीचे, एक रेंज में है, तो भी कई बार बजट के बाद बाजार ऊपर की तरफ निकल जाता है आफ्टर द कंसोलिडेशन। तो ये पैटर्न, व्हेन आई एम गोइंग वे बैक, आई कैन गो एज मेनी मंथ्स एंड ईयर्स बिहाइंड, सिंपली इस चीज को चेक करने और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं। इनफैक्ट दिस पैटर्न गोज ऑल द वे बैक टू 1994, जब से मैं बाजार देख रहा हूँ, नॉट ओनली इन द करेंट पीरियड। तो इसलिए मैंने निफ्टी को छोड़ के सेंसेक्स का चार्ट खोल लिया है, जिसपे यू कैन एक्चुअली सी बजट्स ऑफ यू नो प्रायर पीरियड देन इवन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो हियर वी आर ऑल द वे टू 1992। ओके, सिर्फ मनमोहन सिंह जी का बजट आप छोड़ दो, क्योंकि उनके जो बजट थे तभी एक समय था जो जिसके बाद बजट पे लोगों की नजर और भी बढ़ गई, ऐसे पहले भी थी, बट एट दैट टाइम मार्केट्स वेंट अप बिकॉज ऑफ हिज अनाउंसमेंट्स। बट टिपिकल बजट बिहेवियर वी आर टॉकिंग अबाउट। सो हियर इज इन द मिडस्ट ऑफ दिस पोस्ट हर्षद मेहता बेयर मार्केट, यहाँ पे एक मार्केट बॉटम बना, बाउंस आया, इट्स लास्टेड ऑल दिस बाउंस फ्रॉम नवंबर दिसंबर ऑल द वे टिल फरवरी। ओके, तो इस पूरे बाउंस में यहाँ बजट डे पे टॉप बना, और वहां से फिर बाजार नीचे की तरफ गिरा। इन अदर वर्ड्स, द मंथ्स प्रायर टू द इवेंट द मार्केट वॉज गोइंग अप फ्रॉम डिसम्बर टिल एंड ऑफ फेब, दैट इज 2-3 months, एंड देन इट वेंट डाउन आफ्टर द बजट। सेम वे द ऑपोजिट ऑफ दैट, यहाँ पे बॉटम बना, तेजी है, ये जो टॉप बना है दिस इज एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ द बजट ऑफ 1994। सो 93 टॉप, 94 टॉप, बट इट इज नॉट ऑलवेज अ टॉप। सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू हाईलाइट, देर आर टॉप्स, देर आर बॉटम्स, सम बजट्स आर कंसोलिडेशन। तो मैं अगर एक डेली चार्ट पे जाता हूँ ताकि मैं 1996 का एक पैटर्न दिखाता हूँ आपको, विच इज कंसोलिडेशन, दैट इज ओनली द थर्ड डिफरेंस। एक है कि टॉप बनता है, दूसरा है बॉटम बनता है, और तीसरा है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मीन्स ऐसा बाजार जिसमें कि एक रैली हुई, उसके बाद बजट के पहले बाजार एक रेंज में अटका हुआ है, और फिर बजट के टाइम पोस्ट बजट एक रैली आ गई, क्योंकि द बजट वॉज आइदर इट इज बेटर देन एक्सपेक्टेड और देर इज नथिंग नेगेटिव इन द बजट। दो कारण होते हैं बजट के बाद रैली आने की, कि शायद लोग के एक्सपेक्टेशन नेगेटिव हैं और कुछ नेगेटिव नहीं आता है, या फिर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही अच्छा आ जाता है। ये दोनों कारणों से यू गेट बजट रैलीज। नाउ ऑफकोर्स दिस फेज विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ पीरियड व्हेन देयर वर लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स विच वर कोएलिशन, दे केम, दे वेंट, दे फेल्ट, देयर वर इलेक्शन, सो लॉट ऑफ द बजट्स वर इररिलेवेंट। बट अगेन वी कम हियर एंड द बीजेपी गवर्नमेंट हैड कम बैक टू पावर एंड वॉज अराउंड फॉर अ वाइल, यहाँ पे एक बजट हुआ, और यहाँ पे दिस कंसॉलिडेशन इज बिफोर द बजट, एंड दिस इज अ बजट रैली विच हैपेंड राइट आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट्स। नाउ ऑफकोर्स आप सोचेंगे फिर ये वापस गिरा क्यों, दैट इज बिकॉज ऑफ कोपरान, the you know attacks, basically there was a pullback and then the attack started, and then after that once the pullback was over markets rallied in expectation ki chalo worst is over, ye jo border pe war chal raha hai isme shayad hum jeet hi jayenge, aisa ek market ne pehle anticipate kar liya. But there are many budget tops. So again here there is a March 2020 budget, this is a budget top, markets had of course rallied, then they were gyrating both ways. Now this doesn't reflect it kyunki isme pure tech stocks nahi hai. Idhar मार्च के फर्स्ट वीक तक द एंटायर मार्केट वॉज एक्चुअली स्टिल गोइंग अप बिकॉज आईटी स्टॉक्स एंड द बबल ऑफ Y2K में तेजी वॉज कंटिन्यूस। द सेम पैटर्न इज रिपीटेड इन 2001, हियर देयर इज अ बजट टॉप, यू नो राइट अहेड ऑफ द बजट द मार्केट पीक्ड एंड स्टार्टेड टू रोल ओवर। नाउ ऑफकोर्स इफ यू माइन्यूटली गो, एक्चुअली द डे ऑफ द बजट इज हियर, सो मार्केट वॉज इन डिक्लाइन, देयर वॉज अ वन डे बाउंस एंड देन इट कंटिन्यूड टू डिक्लाइन, दैट वन डे बाउंस वॉज आफ्टर अ मार्केट फॉल। सो कभी कभी मार्केट गिरता है, बजट के पहले गिरा, बजट के बाद एक बाउंस आया बहुत ही छोटा सा। बट आई एम ट्राइंग टू इंडिकेट दैट देर आर सम मेजर टॉप्स एंड बॉटम्स दैट लास्ट फॉर मेनी मेनी मंथ्स, लाइक दिस 2002 टॉप ऑन बजट डे, मार्केट वॉज डाउन फॉर द नेक्स्ट 7-8 months। जैसे मैंने 94 और 93 के एग्जाम्पल्स दिखाए, यू नो वेन एवर देर वॉज अ नॉर्मल गवर्नमेंट इन प्लेस एंड देर वॉज अ बजट, यू हैव फाउंड दैट मार्केट्स हैव पीक्ड एंड रोल्ड ओवर। जैसे कि इधर हुआ 2000 में, यहाँ पे बजट हुआ, उसके बाद there was a major decline, यहाँ पे हुआ, there was a major decline, and so on. But on some occasions, there's also a bottom. So ऐसा नहीं है, मैंने दो तो consolidation के दिखाए, ऐसा नहीं है कि bottoms भी नहीं होते हैं। कई बार अगर बाजार गिरता रहता है तो जाके budget के आसपास bottom भी बन जाता है।
विदिन अ फ्यू डेज और प्लस और माइनस ऑफ द प्लस और माइनस ऑफ द इवेंट इट मे टेंड टू हैपन. दिस इज 2009, द बजट इज ओवर हियर एंड अ फ्यू डेज लेटर द मार्केट इज बॉटम्ड एंड रोल्ड ओवर टू द अपसाइड. In fact, some are exactly budget days. So, if I actually go to say 2016, मुझे याद है ये दिन जो है lowest point जो साल का है, इस साल का lowest point है. इसमें पूरे साल बाजार गिर रहा था. ये bottom budget के दिन बना है. और इसका opposite भी उधर हुआ है 2015 में, इधर का जो top है ये top भी budget के दिन बना है. तो ऐसा क्यों होता है? Because there is lot of sentiment, bullish और bearish, expectations are high कि कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है या फिर कुछ नहीं होता है. Same way here, market वाटर टॉप हुआ, तीन दिन पहले गिर रहा था, फिर यहाँ बहुत बड़ा इंट्राडे बाउंस आया. अगर आप देख सकते हैं रेड बार, मोर देन 60% रिट्रेस्ड, और उस बार पे बजट डे था और वहां से फिर मार्केट नीचे गिर गया. सो मेनी टॉप्स, मेनी बॉटम्स, मेनी कंसोलिडेशंस दैट हैव अकर्ड जस्ट अराउंड बजट. दिस इज ऑल्सो आवर बजट टाइम, एंड ऑफ मार्च, एंड ऑफ फेब्रुवरी, बजट डे, पोस्ट बजट द मार्केट्स आर मच हायर. सो दिस इज अ रिपीटेड पैटर्न, दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू यू नो पॉइंट आउट. दिस इज ऑल्सो बजट डे बट दिस इज अ शॉर्ट बाउंस. जैसे हमने 2000 में देखा कि 2000 में फॉलिंग मार्केट में बजट आया, दो दिन ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया. दिस इज वन ऑफ दोज पैटर्न्स. ओके, बट वी हैव सो मेनी पैटर्न्स वेयर इट एंड्स अप बीइंग अ टॉप और अ बॉटम ऑफ इम्पॉर्टेंस. यू नो, इम्पॉर्टेंट हाई या लो जो है वो मार्केट का उस पॉइंट पे बन जाता है. ओके, तो अगर बाजार गिरता है उसके पहले, यू नो, सो वी सी दिस अगेन हियर, इट्स अ राइजिंग मार्केट, सडनली इट फेल जस्ट बिफोर द बजट. तो अगर बजट के पहले तीन चार दिन का ही फॉल है, यू गेट अ शार्प रीबाउंड एंड देन अगेन इट कंसोलिडेटेड. सो दिस शॉर्ट टर्म शार्प रीबाउंड्स आर एसोसिएटेड विद बजट के पहले. अगर एक हफ्ते का ही दो या यू नो कुछ गिरावट है, दैट गेट्स रिवर्स्ड ऑन बजट डे. सो दैट्स व्हाट वी सॉ से इन 2001 ऑल्सो, एंड देन वी सॉ दैट अगेन इन द कोविड पीरियड. बट जो मीनिंगफुल टॉप्स एंड बॉटम्स हैं वो होते हैं जब यू नो एक सस्टेन्ड डिक्लाइन है. अगर बाजार कई महीनों से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है और फिर बजट के टाइम पे पहुंचता है, जैसे 2015 ये पूरा पीरियड था, इलेक्शन हुआ, मोदी केम टू पावर, मार्केट वेंट ऑन बजट डे एंड देन इट रिवर्स फ्रॉम देयर. एंड सो दीज थिंग्स आर सीन, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ मेजर बजट्स, नॉट कि वो इलेक्शन के बाद वाला जो एक दिन बजट होता है वो नहीं. तो मेजर वाले जो होते हैं दे आर ऑलवेज एट आफ्टर अ ट्रेंड दे कॉज अ मेजर रिवर्सल. जैसे ये अप ट्रेंड था, सस्टेन्ड अप ट्रेंड, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आई जिससे एक दो महीने तक बाजार नीचे रहा और कुछ केसेस में साल भर भी नीचे रह जाता है. सो ईच केस इज ऑफकोर्स डिफरेंट, एंड देयरफॉर वी ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज की इफ द मार्केट इज फॉलिंग और राइजिंग अहेड ऑफ द इवेंट, डज इट रियली मीन एनीथिंग. इंक्रीजिंगली आर बजट्स आर हैपनिंग यू नो एट द एंड ऑफ जैन. तो पहले एंड ऑफ फेब होता था, एंड ऑफ जैन. तो ये जब लास्ट ईयर हुआ, देयर वाज अ रशिया वॉर स्टिल गोइंग ऑन, बजट के बाद बाउंस जरूर आया, बट इट कुडंट सस्टेन बिकॉज ऑफ द रशियन वॉर दैट वाज स्टिल ऑन, सो देयर वाज स्टिल सम नेगेटिव फीचर. बट हियर ऑल्सो यू नोटिस मार्केट फेल फॉर द वीक बिफोर द बजट, इट रैलीड आफ्टर द बजट. सो दैट पैटर्न ऑफ रिवर्सिंग अराउंड द बजट वॉज स्टिल इंटैक्ट. सो वॉट इज इट हैपनिंग दिस ईयर? दिस इज ऑफकोर्स लास्ट ईयर. वॉट इज हैपनिंग दिस ईयर? दिस ईयर वी हैव अ सिचुएशन वेयर द मार्केट टॉप्ड आउट इन डिसंबर. Okay, it has been falling since December, 1 month, 2 month, and now we are into. When did we make the lowest point? तो इसी बात को हम लोग निफ्टी के हिसाब से देखते हैं. ये तो सेंसेक्स का चार्ट था. निफ्टीज लोएस्ट पॉइंट इज मेड ऑन द अडानी न्यूज ऑन बजट डे एट 17,353. एक सेंटिमेंटल पॉइंट जहां पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई बजट के पहले, एंड दैट एंड्स अप बिकमिंग द लो. विल यू गेट अ पोस्ट बजट रैली? हिस्ट्री सजेस्ट दैट दिस ऑलवेज हैपन्स. कभी कभी एक दिन बाद, कभी चार दिन बाद शुरू होके एक पोस्ट बजट रैली जरूर आती है. वेदर इट इज सस्टेनेबल, वेदर इट बिकम शॉर्ट लिव्ड, और वेदर इट बिकम्स अ सस्टेनेबल लो जो कि पूरे साल बना रहेगा, वो एक अलग अलग डिस्कशन है और अलग बात है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. बट यूजली वेन यू मेक सच अ पॉइंट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट लेवल. तो आप इस लेवल को तो मार्क ही कर लो कि 17,593 जो है, दैट इज 17,353 जो है, 17,353. ओके, ये लेवल जो है, ये जो लो बनाया बजट के दिन पे, ये जब तक टूटता नहीं है, एटलीस्ट अ मल्टी वीक रैली इज इंश्योर्ड. अ मल्टी मंथ रैली इज पॉसिबल. वील फिगर दैट आउट अलोंग द वे. वी कैन ऑलवेज फिगर दैट आउट. बट ये लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिविट आ गया हमारे लिए, जहां से मैं सोचूंगा कि तेजी का माहौल बन रहा है और बन सकता है, धीरे धीरे बन रहा है अभी,
क्योंकि न्यूज बहुत नेगेटिव आ गई, सबसे पहले तो अडानी को लेके, और फिर उसके बाद थोड़ा ग्लोबल मार्केट जो ऑलरेडी तेजी में थी थे जो तेजी में थे, हम उनके बारे में भी बात करता हूँ कि वहां क्या हो रहा है। बट वो थोड़े बहुत तकलीफ में आए, शॉर्ट टर्म एक दो दिन का करेक्शन है इक्विटी में, कमोडिटीज में ज्यादा है उसके पीछे, इसलिए बाजार रुक गया, यहाँ एक दिन बाउंस है और फिर रुक गया। बट दिस होल फेज इज बेसिकली अब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिविटी, जितनी नेगेटिव न्यूज है वो सब बाजार ने उसको खा गई है। वो चीज खा गई है मैं कैसे बोल सकता हूँ, लुक एट द वॉल्यूम एट द बॉटम। जिस तरह की यहां हुआ था पिछले साल जब रशिया के अटैक्स हुए थे यूक्रेन के अंदर, ओके, पोस्ट बजट मार्केट बाउंस्ड अराउंड एंड फेल, इट बॉटम्ड आउट राइट हियर एंड रैलीड इनटू अप्रैल, ये हुआ था हैवी वॉल्यूम पे, वैसा ही हैवी वॉल्यूम यहां पे दिखा गया है अडानी ग्रुप के सेलिंग के साथ। तो दिस हैवी वॉल्यूम इंडिकेट्स दैट सम काइंड ऑफ अ सेलिंग क्लाइमैक्स, पैनिक सेलिंग हैज हैपेंड, जो कि खत्म हो रहा है, और धीरे धीरे जैसे वो सेलिंग अब्जॉर्ब होती जा रही है बाजार जो है संभल जाए और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इफ आई लुक एट माई डेली इंडिकेटर, द डेली आरएमआई इंडिकेटर, वो ऑलरेडी पिछले दो दिन में, इनफैक्ट येस्टरडे ओनली, इट हैज कम इन टू बाय मोड, ये क्रॉस ओवर आ चुका है बाय साइड पे। अब मेन चीज जो हम लोग देखेंगे, लो तो मैंने बता दिया, मेन चीज देखेंगे कि 20 डे एवरेज के ऊपर आके क्लोज होता है कि नहीं, 17,874 के ऊपर क्लोजिंग आ पाती है कि नहीं, दैट वुड बी अ गुड कन्फर्मेशन ऑफ द ट्रेंड रिवर्सल विच इज ऑलरेडी देयर इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन, बट फर्दर कन्फर्मेशन ऑल्सो सरपासिंग दिस हाई विच इज 17,870, वील स्टार्ट मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज ऑन द डेली चार्ट। सो ये कुछ चीजें दैट वी वुड वॉन्ट, जो हम देखना चाहेंगे एज अ कन्फर्मेशन ऑफ द अपवर्ड ट्रेंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, बजट डे लो जो एक पिविट है उसको हम पकड़ के चल रहे हैं। अच्छा, ये सब जब हो रहा है, जरूर देयर पीपल हु विल बी लिसनिंग सेइंग दैट सर यहाँ पे तो आप काफी मंदी में आ गए थे, तो आप यहाँ पे तेजी में क्यों आए, यहाँ पे क्यों, मैं यहाँ पे ही आ गया था। समटाइम्स आई एम अर्ली, जैसे मैंने बोला शुरू में बताया कि मैं कभी कभी जल्दी में आ जाता हूँ, और ये जल्दबाजी इसलिए होती है कि कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको मैं ट्रैक करता हूँ जो बताते हैं कि भाई यहाँ पे घूम सकता है, फिर उसके बाद वी हैव टू टाइम इट, और समटाइम्स आई एम परफेक्टली एबल टू टाइम इट सम बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 फॉल पकड़ पाया, और वो 5 फॉल के बॉटम पे बहुत बड़ा शॉर्ट पोजिशन दिख गया फ्यूचर्स के डेटा में, उससे मैं समझ पाया कि यहाँ पे बॉटम हो गया, तो मैंने एग्जैक्टली पकड़ लिया। इधर भी ये जैसे बाउंस आया मुझे लगा नहीं ये तो बॉटम है, तीन दिन के गिरावट के बाद इट वेंट ऑल द वे अप, बट आफ्टर दिस आई स्टार्टेड टू थिंक इट विल टॉप आउट, इट टॉप्ड आउट अ फ्यू वीक्स लेटर, ओके, गोइंग अप टू वन मोर हाई, एंड दिस वॉज अ परफेक्ट पॉइंट जहाँ पे मैंने लॉन्ग शॉर्ट रिपोर्ट लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि नॉट जस्ट देयर वाज अ ह्यूज लॉन्ग पोजीशन इन द मार्केट नाउ फ्रॉम अ शॉर्ट, बट दैट शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन वाज शोइंग अप इन द निफ्टी प्रीमियम। निफ्टी प्रीमियम ये है कि जो निफ्टी में एवरेज प्रीमियम्स होते हैं, ओके, डिफरेंस बिटवीन द निफ्टी स्पॉट एंड द निफ्टी प्रीमियम्स, क्योंकि अभी भी है, दिस इज द ओनली इंडिकेटर जो मुझे ये नहीं बता रहा है कि क्लियर कट पूरी जो लोगों के हाथ में तेजी थी वो कट गई है कि नहीं कटी। ऑल्दो प्रीमियम्स डिड कम डाउन हियर ऑन द 6th, मतलब कल के तारीख पे, दे केम डाउन टू 40 पॉइंट्स, विच इज अ गुड रिडक्शन फाइनली, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ इट वॉज स्टिल हाई एंड यू नो लॉन्ग पोजिशंस वर नॉट अनवाइंडिंग। तो जैसे जैसे ये प्रीमियम्स कम होते जाएंगे 40 से 20, इट विल बी अ गुड साइन दैट यू नो बहुत ज्यादा बाजार में लॉन्ग नहीं है, जो कि डिसम्बर के टॉप पे दिस वॉज द हाइएस्ट प्रीमियम इन द हिस्ट्री ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स इन पॉइंट टर्म्स। 133 पॉइंट यहाँ ऑफिशियल डेटा में दिखा रहे हैं, एक्चुअल 140 to 160 हम लोग स्क्रीन पे ड्यूरिंग द डे देख रहे थे, और वो चीज़ इंट्रा वीक या इंट्रा मंथ भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी, क्योंकि वन वीक प्रायर टू एक्सपायरेशन जो फॉरवर्ड मंथ का प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 180-190 पॉइंट्स तक चलने लगा था। सो दैट इज क्रेजी, यू नो वी हैव नेवर सीन 200 पॉइंट प्रीमियम्स इन निफ्टी, और इतने ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे दिखा रहे थे कि एट द स्टार्ट ऑफ डिसंबर देर वॉज टू मच लॉन्ग पोजिशन इन द मार्केट, इट हैज़ टू अनवाइंड। सवाल सिर्फ ये था, अनवाइंड का मतलब बहुत बड़ा क्रैश होगा कि छोटी सी गिरावट? तो हम हमेशा वर्स के सिनेरियो को लेके ही चलते हैं। आई थॉट दैट इफ दिस इज अ काउंटर ट्रेंड बाउंस इन 3 वेव्स एंड दे आर सो मच लॉन्ग पोजिशन, मे बी द बिगर करेक्शन दैट वॉज अपियरिंग टू बी देयर इन इंडिया एंड द वर्ल्ड कि भाई यूएस रिसेशन में जाएगा, वो सब होके हम लोग नीचे आएंगे, बट दैट हैज नॉट हैपेंड। इन फैक्ट मार्केट ओनली फेल सो मच, एंड इवन आफ्टर इट फेल सो मच आई फाउंड दैट डेटा एट द स्टार्ट ऑफ जैन एटलीस्ट वन डेटा पॉइंट हैड बिकम एक्सट्रीमली नेगेटिव। The number of puts that are traded compared to the number of calls, इसको हम बोलते हैं volume of put to volume of call, volume put call ratio, इसको मैं plot करके maintain भी करता हूँ अपने data files पे, और हमारा जो new analytical tool के बारे में मैंने शुरुआत में बात करी उस पर हम लोग
सबके लिए इस चीज को अवेलेबल कर देंगे, तो आप डेली इस पुट कॉल रेशियो को देख सकते हो एंड दिस विल बी वेरी सिमिलर टू द पुट कॉल रेशियो जो सीबीओई पुट कॉल रेशियो यूएस का आता है, एसएनपी का, जो कई लोग बात करते हैं इंटरनेशनली, आप ट्विटर पे देखते होंगे, ये वो वाला रेशियो है, नॉट द नॉर्मल पुट कॉल रेशियो जो कई लोग निफ्टी पुट कॉल रेशियो डालते हैं. दिस इज द मार्केट पुट कॉल रेशियो, इक्विटी पुट कॉल रेशियो बोल सकते हैं. और ये जो है एक नए हाई तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट हाई तक, दिसंबर एंड तक ऑलमोस्ट यहाँ था, ऑलमोस्ट प्रीवियस टॉप तक, मतलब जो अक्टूबर में हाई था उधर तक पहुंच गया था. तो पीपल हैड ऑलरेडी बिकम एज बेरिश एज अक्टूबर एट 15 to 100 एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी. तो स्टार्ट ऑफ जनवरी आई सेड सी मार्केट 17,760 तक तो आ गया, बट इतने लोग मंदी में है तो शायद यहाँ पे रुक जाए. गलती सिर्फ ये थी कि मैंने अडानी को ओवरलुक किया. लास्ट मंथ द अडानी चार्ट्स वर ऑलरेडी शोइंग वीकनेस. आई थॉट इट वुड फॉल अलॉन्ग विद द मार्केट व्हेन द डिसंबर फॉल स्टार्टेड. द डिसंबर फॉल हैपेंड एंड अडानी ग्रुप डिड नॉट फॉल मच. सो स्लाइटली आई थॉट दैट मे बी दिस इज नॉट द केस एंड आई बैक्ड ऑफ. दिस इज द मिस्टेक आई मेड. आई missed the signal even though it was there on the charts. I've written about the 5-wave setup, but because of this ratio I backed off. I said if so many people are negative shayad abhi na ho, but Adani group ka jo sell off hai uske baad jo hua, I think that became the main driver of the last part of the sell off. Kyunki sell off to nifty mein itna bada nahi hua hai. 17750 ka jo mera low tha wo stop loss hit karke niche aa gaya 17350 tak budget ke de, तो उतना थोड़ा और गिर गया तो मैंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया कि चलो थोड़ा और गिरा है. आई कैन नॉट चेंज माय व्यू बिकॉज अभी ये पुट कॉल रेशियो और भी बढ़ गया है. नाउ दिस हैज बिकम द हाईएस्ट पीसीआर रीडिंग सिंस 2009. मतलब जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-09 का था, जो एक्सट्रीम मंदी थी तभी जब बाजार निफ्टी 2000 हो गया था, उस तरह का सेंटिमेंट आ गया है इसमें. उस तरह से उस लेवल के पुट्स वर्सेस कॉल्स लोग ट्रेड कर रहे हैं. तो जब लोग इतनी मंदी में आ गए जो कि मंदी के एंड में होता है, और ऐसा ही एक रीडिंग यूएस में ऑलरेडी दिसंबर में आ चुका है. दिसंबर में वहां से यूएस के मार्केट्स रैली कर चुके हैं, फुटसी ऑल टाइम हाई पे है, सिर्फ भारत का बाजार जो है वो नहीं निकल पा रहा है क्योंकि देयर वाज अ डोमेस्टिक इशू. तो दिस सेम रीडिंग हेल्प द यूएस मार्केट रैली इन द फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ जनवरी, बट भारत का बाजार नहीं चल पाया क्योंकि देयर वाज एन इशू इन अडानी. आई गेस द मार्केट सेंस्ड इट, न्यू इट, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट गोइंग अप. I thought it would go up, rally into the budget and top out in the budget, जो कि मैंने कई बार पैटर्न दिखाए शुरू में, but it has turned out to be the opposite. Instead of forming a top on budget day, it has ended up forming a bottom on budget day. And accordingly, why should I turn bearish over here because of market fell below 17780? कुछ लोग बोलते हैं लेवल टूट गया, मंदी में नहीं आ रहे हो. लेवल टूट गया का मतलब थोड़ी मंदी होता है. लेवल टूट गया मतलब आप उसको एनालाइज तो करो कि सेटअप क्या है, इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं. इंडिकेटर्स तो ये बता रहे हैं कि लोग इतने मंदी में कि 2009 के बॉटम है, और इतने मंदी में तो मैं मंदी क्यों करूं? आप करो, जिसको करना है करो, मैं नहीं करूंगा. अनलेस देयर इज अ सीरियस ब्रेकडाउन एंड समथिंग गोज रॉन्ग विद इंडिया स्टोरी, विच इज नॉट हैपनिंग. आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दैट. जितने लोगों से मैंने बात किया, दिस इज नॉट एन इंडिया स्टोरी प्रॉब्लम, इट्स अ इशू विच इज स्पेसिफिक टू द ग्रुप, एंड इट माइट और मे नॉट बी एन इशू ऑल्सो, नोबडी नोज. So we are talking about unknown. Based on sentiment, it means that it is an extreme. People have become too negative, and usually when people become so negative, the market goes up and not down. And unless you can come up with another reason for it to go down, the worst is over. So this is the sort of, this is only one thing in place. The other thing which has happened is, of course, in the meantime, compared to the start of January, jabki FII ki short position nahi thi, last 4 din hue hain, अडानी से डर के FIIs ने भी भर के शॉर्ट पोजीशन बना ली है. तो नाउ यू हैव अ मार्केट विच इज शॉर्ट एंड यू हैव सेंटिमेंट एक्सट्रीम रीडिंग एंड यू हैव सेलिंग क्लाइमेक्स एट द बॉटम. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तेजी दूर नहीं है भाई लोग, आज नहीं तो कल ऐसे निकलेगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि हुआ क्या, ऊपर क्यों आया, सब तो खराब था. और ऐसा ही कुछ माहौल जो है यूएस के बाजारों में चल रहा है. बहुत डिबेट में देख रहा हूँ, कई हेज फंड्स के रिपोर्ट्स को फॉलो करता हूँ, कई रिसर्च सर्विसेज को सुनता हूँ और उनको सब्सक्राइब करता हूँ, और उनको पढ़ के मुझे पहले तो यही लगा कि सब सही है. दिसंबर तक तो लग ही रहा था कि यूएस में रिसेशन आएगा, रिसेशन के बाद रेट कट करेंगे, रेट कट होते तो बॉन्ड मार्केट बढ़ता है और इक्विटी गिरता है. ये हिस्टोरिकल एक साइकिल था. ये हिस्टोरिकल साइकिल हमने तब तक देखा जब फेड क्यू ही नहीं करता था. सो 2000-2008 में दिस वॉज द साइकिल दैट वर्क. तो सबका मानना यही था कि भाई फेड इस बार जो बोल रहा है वो करेगा, मतलब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो शायद अब इस बार लिक्विडिटी बाजार में नहीं है
और जो नॉर्मल बिजनेस साइकिल था उसके हिसाब से बाजार काम करेगा। परंतु नवंबर और दिसंबर में फेड ने अपने रंग दिखाए, लिक्विडिटी इंजेक्शंस किए, डायरेक्टली नहीं क्योंकि क्यूटी तो अभी भी चल रहा है, कहने के लिए हम अभी भी लिक्विडिटी को टाइट कर रहे हैं, परंतु जो दूसरे तरीके हैं, और अब ये सब लोग समझ गए, सब लोग स्मार्ट हो गए हैं बाजार में। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेजरी जनरल अकाउंट, मैचिंग ऑफ रिवर्स रेपोज, ये सबको ऐड करके लिक्विडिटी बाजार में बढ़ रही है कि घट रही है। अच्छा बढ़ रही है तो यूएस मार्केट तेजी में, बट ये डेटा पॉइंट भी बीच में थोड़ा बहुत घटने लगा है पिछले 2 हफ्ते में, तो लोगों को लग रहा है यार यूएस में ज्यादा ही तेजी हो गई, शायद ये डेटा पॉइंट गलत है। द प्रॉब्लम इज विद पीपल ट्राइंग टू फाइंड अ डेटा पॉइंट टू मैच टू द मार्केट, दे विल नेवर गेट इट राइट, क्योंकि देर आर टू मेनी थिंग्स दैट आर मूविंग। मैंने देखा है कई ऐसे डेटा पॉइंट, जैसे ईसीआरआई का इंडेक्स है, उन्होंने एक बार 2010 या 11 की बात है, एक बार रिसेशन का प्रेडिक्शन किया था जो कि देन इट डिडंट हैपन, एंड देन दे विल प्रॉबली से दैट इट इज ओनली इंडिकेटर, दे वांटेड अ 1 क्वार्टर कंफर्मेशन विच डिडंट कम और समथिंग लेटर ऑन, बट दे वर ऑलमोस्ट गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ अ रिसेशन इन 2010-11 विच डिडंट हैपन। सो मेनी सच थिंग्स आर देयर। द सेम वे पीपल गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू द आइडिया दैट देयर इज एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इफ इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स वर एबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ मार्केट्स एवरी टाइम, तो हम इकोनॉमिक एनालिस्ट क्यों हो जाते, ये सब टेक्निकल एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बाजार में आगे क्या होने वाला है ये कई बार चार्ट्स पे हमें पहले पता चल जाते हैं और बाद में डेटा पॉइंट्स चेंज होती हैं। तो फेड क्या बैक ऑफ करने वाला है, बाजार तो इस चीज को मान के चल रहा है क्योंकि बाजार ने नवंबर दिसंबर के फेड ईजिंग के बाद ये मान लिया कि ये फेड ईजिंग जो है सिर्फ इलेक्शंस के लिए नहीं था जो कि नवंबर में हुए, शायद ये आगे भी कर सकता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्शन that should have happened because of quantitative tightening, वो दिख नहीं रहा है। And when you look at financial condition index, of course financial condition में equity भी आ जाता है, तो equity बढ़ रहा है तो financial condition index is showing कि things are better, तो वो भी सही नहीं है। But मैं एक और angle बताता हूँ आपको, जो कि है, and this is global liquidity, जो हम लोग कई बार नज़रअंदाज करते हैं। हम लोग dollar को ज़रूर देखते हैं, dollar तो मैंने आज की discussion में लाया ही नहीं, तो let's end with the dollar as the final discussion, कि भाई जो ग्लोबल लिक्विडिटी है उसको हम डॉलर के हिसाब से देखते हैं कि डॉलर ज्यादा है तो लिक्विडिटी है, तो इसलिए हम लोग ये रिजर्व अकाउंट टीजीए सब लोग देखने लगे, रिवर्स रेपो में कितना डाला, अच्छा लिक्विडिटी कम हो रही है, अच्छा तो बाजार तो गिरेंगे, यूएस बाजार गिरने वाला है। बट वॉट अबाउट ग्लोबल लिक्विडिटी, यूरोप ने पिछले साल क्या किया, तो ये जो तीनों है यूरोप, जापान और यूएस, इन लोग ने बहुत ही अच्छा गेम रखा है, ये अभी का नहीं है, पुराना गेम है। अगर आप 2013-14-15 से मार्केट को फॉलो कर रहे हो, स्पेशली डॉलर मार्केट को, आप देखोगे कि जब यूएस एक डायरेक्शन में चलता है तो दूसरे दोनों जो है वो चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर जब यूएस वो डायरेक्शन में काम करना बंद कर देता है तो ये दोनों शुरू हो जाते हैं। तो जब क्यूई यूएस ने शुरू किया तो ये दोनों कुछ नहीं कर रहे थे, हाँ यूएस कर रहा है हमें क्या करने की जरूरत है, फिर जब यूएस करना बंद करता है तो यूरोप बोलता है भाई हमारी इकोनॉमी ठंडी पड़ रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। और वो जो कर सकते करने का मतलब 2015-16 में था कि यूरो को गिरा देते हैं यूरोपियन बॉन्ड्स को खरीद के, मतलब वी विल डू आर ओन क्यूई। तो उन्होंने क्यूई शुरू किया, यूरो गिरने लग गया, डॉलर बढ़ गया, लोकल डॉलर बढ़ने से मार्केट गिरेगा, बट यूरो जोन जब बॉन्ड्स बाय कर रहा है, ग्लोबल लिक्विडिटी को बढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ कि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स गिर गए। कुछ एशियन मार्केट्स पे राइजिंग डॉलर का असर जरूर पड़ा, बट डेवलप्ड मार्केट्स यूएस यूरोप जापान दे ऑल डिड वेल एंड वेंट अप, इंडिया भी ऊपर गया। सो एवरी टाइम अ राइजिंग डॉलर डजंट वर्क बिकॉज यू हैव टू सी की कंपोनेंट्स क्या, बढ़ क्यों रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी एक्सपेंडिंग और लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्टिंग। तो दिस गेम नाउ यू कम टू 2020-21, पहले सिर्फ यूएस लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था, और जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया यूएस ने बोला भाई हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं और हम क्वांटिटेटिव टाइटिंग करते हैं, हमें करना पड़ेगा, इस डर से डॉलर बढ़ने लगा। अब मेरा डॉलर का मंदी का व्यू जो है वो 61% रिट्रेसमेंट के बाद ही बदला, अप्रैल 2021 में, उसके बाद ही मैंने बोला ये शायद कुछ और हो रहा है, एंड देन द डॉलर स्पाइक। तो अब मैं डॉलर का चार्ट खोलता हूँ, अब देखना जरूरी हो गया है कि डॉलर के चार्ट में हुआ क्या। तो डॉलर ने जो स्पाइक किया, जो पिछला जो बेरिश फेज था वेयर आई वॉज बुलिश ऑन कमोडिटीज, ओके, तो ये जो पूरा एक फेज था, ओके, जब से ये टॉप बना यहाँ पे मोस्ट पीपल वर यू नो बुलिश ऑन द डॉलर, ऑलमोस्ट डेली सेंटिमेंट इंडेक्स के हिसाब से 97% बुल्स, मतलब 97% ऑफ ट्रेडर्स जिनका पोल किया जाता है, ये डेटा हम लोग अपने वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं विच इज अवेलेबल फ्रॉम ट्रेड फ्यूचर्स, सो आई एम अ सब्सक्राइबर, वी पब्लिश इट एट इंडिया चार्ट्स, इफ यू आर अ सब्सक्राइबर यू कैन एक्सेस इट एवरी डे। 97% ऑफ ग्लोबल ट्रेडर्स वर बुलिश,
सो यहाँ पे लगा मुझे कि डॉलर टॉप होगा. यू हैड अ डॉलर बेयर मार्केट एंड कमोडिटी प्राइसेस वेंट अप, कमोडिटी स्टॉक्स मेटल स्टॉक्स डिड वेल. तो लग रहा था कि एक बेयर फेज शुरू हो गया डॉलर का. इवन व्हेन दिस राइज वाज गोइंग अप लुक लाइक अ बेयर मार्केट रैली. फिर ये पैंडेमिक में स्पाइक किया बट ये हाई नहीं निकाला इसने, तो इट बिकेम अ डबल टॉप और फिर वापस. तो दिस वॉज अ वेरी बुलिश फेज, स्पेशली द सेकेंड टाइम वॉज अ वेरी बुलिश फेज फॉर मेटल्स एंड इट लुक लाइक द डॉलर बेयर मार्केट वॉज हियर. तो आई थॉट कि बहुत इट विल स्टे बट इट क्रॉस 61%. तो वहां पे डाउट आ गया इसके बारे में. यहाँ पे मुझे डाउट आया, यहाँ पे पूरी दुनिया को डाउट आ गया कि अब तो डॉलर का नया बुल मार्केट शुरू हो गया और ये सालों तक चलना जरूर चाहिए था. मैंने भी ये बात मानी बट सितंबर के टॉप पे कई मार्केट्स ने नए लोज नहीं मारे. पहले तो ये जब डॉलर गिर रहा था ना तो यूएस का मार्केट ही गिर रहा था, इंडिया का फिर बाद में गिरने लगा, फिर कई दूसरे मार्केट्स आ गए उसके प्रभाव पे और फिर कमोडिटीज जैन से अप्रैल के बीच में कमोडिटी प्राइसेस टॉप आउट करी क्योंकि रशिया वॉज स्टिल हैपनिंग. सो कमोडिटी प्राइसेस डिड नॉट टॉप आउट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन दे स्टार्टेड टू फॉल. सो इट्स ओनली आफ्टर दैट देन द डॉलर हैड द लास्ट स्पाइक. नाउ यू हैड द लास्ट स्पाइक, इट स्टार्टेड टू फॉल. नाउ वी आर ऑल थिंकिंग कि अगर डॉलर इसके नीचे वापस ऊपर जाएगा तो मैं भी सोच रहा था चलो नया दौर है 1-2 ही होएगा. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू हैव टू एक्सेप्ट दैट द डॉलर इज गॉन बैक बिलो दिस लाइन. सो वाई शुड आई रिमेन अ परमा बेयर ऑन द डॉलर. कुछ लोग सोचते हैं मैं शायद परमा हो जाऊंगा तो जब भी मैं बहुत तेजी या मंदी में आता हूँ इसके बाद मरेगा, कहते लास्ट बेयर इज टर्न बुल. बट मैं लास्ट बेयर बुल कभी बना ही नहीं क्योंकि मैं चेंज कर लेता हूँ. वो उन लोग के साथ होते हैं जो चेंज नहीं करते. सो चेंज करना सबसे जरूरी है, सीखना कैसे चेंज करना है वो भी जरूरी है. मैंने कई आज डेटा पॉइंट्स दिखाए जिससे मैं दिसंबर से लेकर जनवरी तक मैंने अपना पूरा व्यू 180 डिग्रीज चेंज कर लिया इक्विटी मार्केट पे. अब मैं बता रहा हूँ कि डॉलर मार्केट में क्यों हुआ एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फेलियर. अगर जब इतना बड़ा फेलियर हुआ है, जब तक ये फेलियर रिवर्स होके वापस तेजी में नहीं बन जाता तब तक मुझे ये मानना पड़ेगा कि शायद ये स्पाइक जो है वॉज द एंड ऑफ समथिंग. मे बी अ फिफ्थ वेव ऑफ सम डिग्री एंडेड, मे बी वी आर इन अ लार्जर ए बी सी करेक्शन, मे बी समथिंग इज गोइंग ऑन बट डोंट बी इन अ हरी टू जज वॉट इज दैट. द मेन पॉइंट इज अगर डॉलर न्यू बुल मार्केट में नहीं है, अगर ये यहाँ पे भी ऐसे पड़ा रहता है बाजार खुश रहेगा. ओके और नीचे जाता है तो भी खुश रहेगा. बाजार को डॉलर में नया रैली नहीं चाहिए, बस बात सिंपल बात है, बात खत्म हो गई. तो इस बात में ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं है. तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम. नाउ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वॉट द बैंक्स आर डूइंग. सी यूएस इज टाइटनिंग लिक्विडिटी. ओके फेड ने बोला मैं सबको ऐसा टाइट करूंगा भी इन्फ्लेशन कम ही आना है, इसका मतलब यूएस रिसेशन में जाएगा. मैंने भी मान लिया दिसंबर तक हाँ रिसेशन में जाएगा, मंदी में रहो. बट फैक्ट इज दैट दैट्स नॉट व्हाट इज हैपनिंग. सबसे पहले तो यूएस में लिक्विडिटी इज नॉट टाइटनिंग एट द सेम पेस एंड देन व्हाई आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट यूएस. तो व्हाट अबाउट ग्लोबल लिक्विडिटी, सेम थिंग विच हैपेंड राइट. ये जो लास्ट डॉलर में रैली आया था पिछले साइकिल में, ओके पिछले साइकिल की हम लोग बात करते हैं, मुझे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा. मैंने कुछ देर पहले कई शब्दों में बताया कि ये जो रैली आया ये इसलिए आया क्योंकि यूरोप ने बोला व्हाट एवर इट टेक्स वी विल वीक इन द यूरो. तो इन्होंने यूरो को वीक कर करके डॉलर को ऊपर जाने दिया और उससे क्या हुआ, इकोनॉमी को सपोर्ट मिल गया. तो मार्केट्स डिड वेल, यूरोजोन डिड वेल बिकॉज दे प्रोवाइडेड लिक्विडिटी. तो यहां पर क्या हो रहा है, यूएस ने लिक्विडिटी कट की चलो हम लोग कट करते हैं. यूरोप ने बोला हाँ तुम करो, हम तो आराम से बैठे हैं. ईसीबी यहां तक बॉन्ड बाइंग कर रहा था जून तक, तब तक उन्होंने बोला ही नहीं कि हम रेट बढ़ाएंगे और रेट बढ़ाने के बाद भी बॉन्ड बाइंग कर रहा था सितंबर तक. फिर उन्होंने बोला चलो हम बॉन्ड बाइंग तो कम करते हैं. जापान तो आज भी बॉन्ड बाइंग कर रहा है एंड इन जनवरी ईयर जापान हैज बॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, विच मींस जापान इज वीकनिंग इट्स करेंसी, यूरोप वॉज वीकनिंग इट्स करेंसी. ग्लोबल लिक्विडिटी कम कैसे होगा? सो व्हेन यू आर लुकिंग एट लिक्विडिटी यू हैव टू लुक ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एवरीथिंग. तो आप पता चलेगा कि ग्लोबल लिक्विडिटी तो इतनी नहीं घटी है, पीक पे ऐसे थी और वापस इधर है. ओके सिर्फ यूएस लिक्विडिटी देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये इधर ही है, पर ग्लोबल लिक्विडिटी और ऊपर आ चुकी है बिकॉज ऑफ यूरोप एंड जापान इंटरवीनिंग. तो ये लोग ये गेम करते कि आप जब कर रहे हो मैं नहीं करता हूं और आप जब बंद करोगे तो मैं चालू हो जाऊंगा. तो बाय दैट नेचर यू एक्चुअली नॉट कॉजिंग अ मेगा क्रैश. पीपल कैन एंटिसिपेट रिसेशन विल हैपन, मार्केट विल फॉल अनदर 50%. But it doesn't happen because global liquidity expands and then they get support and instead of a hard landing, you get a soft landing. But people are still debating. मैं जितने hedge funds को सुन रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, they are still debating कि नहीं hard landing होनी है.
जिद पकड़ के बैठे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि गलत होंगे कि सही होंगे, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि अगर 8 महीने बाद भी सही होंगे तो बीच में एक 8 महीने का ट्रेड बन जाता है, और ये 8 महीने का जो ट्रेड है उसको हमें पकड़ना है। दैट इज वॉट यूएस इक्विटी मार्केट्स आर शोइंग। यूएस के बाजार जो है, अगर उनके हम कोई भी चार्ट देखें, चाहे नैसडेक की जो सबसे वीक था उसको देखें या डाओ जो सबसे स्ट्रांग रहा है इस पीरियड में उसको देखें, तो दोनों के जो बाजार हैं दे हैव टर्नड अराउंड इन अ वे दैट दे नेवर डिड इन एनी प्रीवियस बेयर मार्केट। तो शुरू में तो हम लोग इसको कंपेयर कर रहे थे विद 2000-2008, वैसा ही बेयर मार्केट है, बट वैसा ही बेयर मार्केट था तो यहां से यहां बाउंस करके घुस जाना चाहिए था। दिस इज वेयर द डिसिमिलैरिटी स्टार्ट्स, एंड दिस डिसिमिलैरिटी हैज स्टार्टेड विद द मोस्ट नेगेटिव सेंटिमेंट एंड शॉर्ट पोजिशनिंग इन द S&P। यहाँ पे शॉर्ट भी था, सेंटिमेंट भी एक्सट्रीमली नेगेटिव हो गया, और वो उस सेंटिमेंट को लेके बाजार घूम गया। तो अब जब घूम गया है तो इवन एज अ बेयर मार्केट रैली यहां तक जा सकता है, और अगर ये पैटर्न ही बॉटम हो गया है तो नया ही कुछ हो सकता है। ये चीज हमें मन में दिमाग में रख के आगे चलना पड़ेगा। ऑफकोर्स इट मे इफ इट टर्न्स डाउन अगेन वी विल फिगर इट आउट, बट यू कैन नॉट रिमेन ऑन द नेगेटिव साइड। देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ वेव काउंट्स ऐसे डाले हैं जिसमें कि ऊपर जाके वापस नीचे आ सकते हैं, ऐसे वेव काउंट्स डाले हैं, बट ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं डाउ का ये पूरा पैटर्न देखता हूँ यहां से लेके यहां तक, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ओवरलैपिंग पैटर्न है। ये पूरे को मैं WXYXZ करके मंदी भी खत्म कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि ये वन है। ये जरूरी नहीं है कि ये दिस इज ए, इट कैन बी वन। नाउ व्हेन इट कैन बी वन और ए, इट कैन बी एनीथिंग आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। इट कैन बी बी सी और इट कैन बी थ्री। ऑफकोर्स यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रहा है, मैंने लाइन भी बनाए। अगर डाउ जोन्स में ट्राइंगल बन गया ऐसा तो डेफिनेटली इट विल बी अ बी। वी डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन टू से दिस फॉर श्योर, ओके, बट इवन देन अ सी वेव टू अ हायर लेवल विल कम, इन विच केस यू कैन गो मच हायर इन द डाउ बिफोर बैड थिंग्स हैपन अगेन। सो द मेन पॉइंट इज, एंड सी ऐसा ही कुछ हुआ था। अगर 2008 की बात करते हैं, उधर तो ओवरशूट हो गया था, यह है 2008। इस बेयर मार्केट में भी एक ओवरलैपिंग, तो डाउ के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ, एक बहुत ही ओवरलैपिंग बेयर मार्केट हुआ था जिसमें अप डाउन चल रहा था, तो इट्स नॉट फाइव वे फॉल। और फिर ये जब बॉटम आया, इधर उन्होंने रेट कट किए और यहां से जो रिकवरी आई, इट वॉज नॉट अ स्ट्रांग रिकवरी, इट वॉज वेरी वीक। यूएस इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रहा था, तो लोग मंदी में थे कि नहीं सही नहीं है, तेजी नहीं है, मंदी रहेगा। हाउसिंग बबल हैपेंड बिकॉज ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट्स दे क्रिएटेड ओवर हियर, ओके, बट इट वॉज नॉट अ ग्रेट यूएस रिकवरी। Eventually it resulted in a second fall. So actually the bear market started in 2000 and ended in 2008. But ये जो इधर pause आया US market में, इस pause से दुनिया भर में relief आ गई। और ये pause जो है NASDAQ में और भी भयंकर था, क्योंकि if you look at the NASDAQ, there is actually no recovery. If you look at the NASDAQ composite, this video is getting a little long, but I'm sure it is going to be very very interesting because I'm sharing lot of data points. Okay, so it's already 40 minutes. Hopefully, I can complete it soon. So this is 2008. Even though Dow went to a new high, the Nasdaq did not. The actual recovery in Nasdaq started only after 2009. Idhar se, almost a double bottom. So similarly, यहाँ पे भी ये जो fall है, ये होते होते बंद हो गया। अब होते होते बंद हो गया, तो नया कुछ ऊपर करके शायद जो होना है वो बाद में होगा। और ये होना है बाद में होगा मैं अगर एक साल भी निकल गया तो दुनिया भर के लिए एक बहुत स्ट्रांग रिलीफ हो जाता है, स्पेसिफिकली फॉर इमर्जिंग मार्केट्स एंड प्लेसेस लाइक इंडिया, क्योंकि दैट इज व्हाट हैपेंड। व्हेन डिड इंडिया हैव इट्स बुल मार्केट? हियर दिस फेज, दिस इज वेयर 2002 टू 2008 द निफ्टी वेंट अप 6 times 7 times, ओके, बिकॉज ऑल मनी वेंट टू अदर मार्केट्स मोर देन यूएस। यूएस रिकवर्ड इन अ वेरी माइनर वे, ओके, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, बिकॉज ऑफ कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, क्यूई नहीं था, ओके, विदाउट क्यूई इट वेंट अप वेरी वेरी स्लोली। सो वी हैव अ सिमिलर सिचुएशन अकॉर्डिंग टू मी टूडे। आई डोंट नो हाउ फार यूएस मार्केट विल गो अप, वेदर दे विल गो अप इन परसेंटेज टर्म्स, वेदर दे विल गो अप एंड स्टे देयर टाइम वाइज टिल थिंग्स डोंट टर्न अगली, समथिंग गोज कंप्लीटली रॉन्ग, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अ रिलीफ फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज लिक्विडिटी विल फ्लो एल्सवेयर and emerging markets, commodities, etc. can become beneficiaries of this pattern. This is the takeaway. This is the breakout which is happening. If we actually look at even the emerging markets index,
EEM index, इसके बारे में मैंने आज सुबह ही लिखा है, शायद you might see the charts on the internet because I have shared it with my team to put it out, but I will just take it here. I think it is there here, or it's in the other EM chart, so I should show it to you. Okay, this is the MSCI emerging market index. लॉन्ग वेव टू, ये फॉलिंग चैनल में था. जब तक ये चैनल में था मैं सोच रहा था कि मंदी इज ऑन, बट इट ब्रोक, स्टार्टेड टू ब्रेक आउट ऑफ द चैनल राइट हियर एंड ऑफ डिसंबर. दिस इज एग्जैक्टली वेयर व्यू स्टार्ट चेंजिंग एंड ऑफ डिसंबर, पार्टली बिकॉज ऑफ चाइना रिकवरी स्टार्टिंग शोइंग इट्स अर्ली स्टेजेस, देन दिस पुल बैक. ओके, तो बाय 22nd ऑफ डिसंबर EEM वॉज इन वेव टू पुल बैक, एंड दिस पुल बैक इज बेसिकली अ पुल बैक टू दिस लाइन ब्रेकआउट पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा था, और जनवरी से एक और रैली एंड वन मोर पुल बैक. सो नाउ दैट यू हैव दिस ब्रेकआउट इन द EEM मार्केट विच इज नाउ मेकिंग हायर हाईज एंड हायर लोज, ओके, सो 1-2, सो वी आर ट्राइंग टू टेक इट एज अ बुलिश व्यू. अनलेस इट इज प्रूवन रॉन्ग, कुछ होके गिर जाता है तो ठीक है, वी कैन ऑलवेज टर्न नेगेटिव, बट वाई टर्न नेगेटिव हियर व्हेन यू हैव अ ब्रेकआउट एंड यू आर मेकिंग हायर हाई, हायर बॉटम, हायर लो. सो वी गो विद द पॉजिटिव व्यू, एंड दिस दीज मार्केट्स देयरफॉर विल टेंड टू आउट परफॉर्म द यूएस एज लॉन्ग एज नथिंग नेगेटिव इज हैपनिंग इन द यूएस. ब्रॉडली देखिए, दिस इज द बॉटम एंड ऑफ द रेंज फॉर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स. अगर हम 10-15 साल का चार्ट है हमारे सामने, ये पूरा हम फेस देखते हैं, क्लोज टू दिस, क्लोज टू दीज पॉइंट्स वी हैव हैड मल्टीपल लोस. दिस बॉटम और दिस बॉटम कैन बी द सेम. दिस ऑफकोर्स वॉज पार्शियल रिकवरी, दिस वॉज मेजर रिकवरी, दिस वॉज सुपर रिकवरी. यहाँ क्या होगा इसको हम जरूर देखते हैं, बट इट कैन लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड सो यू कैनॉट बी इन अ हरी टू टर्न बेरिश टुमारो मॉर्निंग. दैट्स माई मेन पॉइंट, एंड दैट्स that is going to rub off on India at some point of time. Once we mentally absorb whatever has happened with the Adani group and the problems they have faced, we don't know how it will end. It could end even well because there's no other news right now apart from just one report. And they are taking actions to sort the situation and improve sentiment. On the other hand, market sentiment should have been far better than what it was based on what the budget was announced, because it gives a push specifically to capital goods, and the reforms on the income tax side are laudable. You know, whether you argue nahi, whether it's more money, less money for retail, har din log ek naya excel sheet nikal ke dal dete hain, but the sheer idea that you will reform how taxes are done in India, simplifying taxation has been one of the longest processes in India over years, that we have done in the tough way, taking tough decisions like GST, which temporarily looked like hurting certain sectors, or various such things. And then we did the corporate tax changes, now we were doing the income tax changes at the lowest level. I think all of these go a long way in tax reforms for India and making it easier and easier to do business in India. So you have to appreciate what is happening at a macro level. Once the micro problems go away, the macro can actually play out. And I think it is starting to play out around the world, and it will start playing out in India. This is my view. I've put it out in detail in terms of what is happening. I've written a lot more on this in the long shot report on the India Charts Insiders pages. So if you subscribe to India Charts, you can read the entire report, sub charts ke saath, har market ke baare mein. हर महीने दो महीने वो डिटेल्ड रिपोर्ट रहता है, और उसके फिर बाद फिर उसकी अपडेट्स हर दिन हम लिखते रहते हैं, ताकि यू स्टे अप टू डेट विद व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे ऑन दिस लॉन्ग यूट्यूब वीडियो, विच आई होप यू विल ऑल एंजॉय, एंड सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.